यूपी के भदोही में नगरपालिका परिषद के मोहल्ला जमुंद कसाई टोला में भाई ने सगे बड़े भाई और भाभी को चाकू से काटकर हत्या कर दी, जबकि 9 माह के बच्चे पर भी जानलेवा हमला कर दिया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भदोही नगर के जमुंद में रविवार को दो सगे भाइयों में पशु वध को लेकर विवाद हो गया। छोटे भाई नौशाद कुरैशी ने अपने बड़े भाई जमील कुरैशी और भाभी रूबी कुरैशी को चापड़ से काट डाला। घायलों को इलाज के लिए महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बड़े भाई और भाभी की मौत हो गई, जबकि बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने घटना का निरीक्षण कर कार्यवाही करने का आदेश दिया। कार्रवाई की गई। देखिए, ये जो मोहल्ला जमुंद जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ दो भाइयों के बीच का जो पारिवारिक झगड़ा था, उसमें नौशाद ने अपने भाई जमील को और उसकी पत्नी रूबी को चाकू से हमला कर दिया था, जो अस्पताल में गए और वहाँ पर उनकी दोनों की डेथ हो गई। साथ में इनके 1 साल का एक बच्चा भी था, जिसको भी चोट लगी हुई है और वो अंडर ट्रीटमेंट है। ये घरेलू विवाद का मामला है और इसका पहले से कोई संज्ञान भी नहीं था, तो इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो नौशाद है वो अपनी माँ के साथ फरार है और हम जल्दी पकड़ लेंगे उसको। सर, परिजनों ने क्या बताया है? कुछ आपकी बातचीत हुई है? पहले से भी कोई विवाद था इन लोगों में किसी तरह का? देखिए, परिजनों में तो कोई बचा नहीं है, मोहल्ले में भी कोई बताने तैयार नहीं है। जो जमील है उसका साला है, जो भी बनारस से आया, उसने बताया था कि उसके भाई जो ये नौशाद है वो अपने जमील से कहता था कि तुम इसका घर छोड़ दो, तो नौशाद ने मना किया होगा, तो इसी बीच इनका झगड़ा हुआ है। जो सर बच्चा है उसकी स्थिति इस समय कैसी है? बच्चा तो अभी सीरियस है, जो डॉक्टरों ने बताया है, शायद उसको कुछ खून की कमी है, तो दे रहे हैं उसे, इलाज चल रहा है उसका। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।